जिले अखिलती ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद 10वीं और इंटर के नतज के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि वजीर तालीम सवितेंद्र रेड्डी ने ऐलान किया जिले हैदराबाद में टिमरीज के पास 40 स्कूल और 40 इंटर कॉलेज हैं। एसएससी इम्तिहान में 1009 तलबा शरीक हुए थे जबकि 930 तलबा पास हुए हैं। इंटर साल अव्वल में 1621 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया था जबकि इसमें से 1310 तलबा पास हुए हैं और साल दुवा में 1650 तलबा शरीक हुए थे जिसमें से 1371 तलबा पास हुए हैं। जिले अखिलती बहबूद के अफसरान ने हैदराबाद के लोगों से टिमरेस रेजिडेंशियल स्कूल में दाखिला लेने की अपील की है क्योंकि ऑनलाइन अमल बंद होने जा रहा। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। बड़ी और खुशी और मसरत के साथ में ये आपके चैनल की तरफ से मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ कि जुमला 1986 बच्चे एसएससी में अपियर हुए और पास जो है 1835 हुए और जिसमें से फेल 151 हुए। टोटल परसेंटेज जो है 40 स्कूल का 92.4% है। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर कितने बच्चे जो इस वक्त पास होते हैं जूनियर इंटरमीडिएट में? इंटरमीडिएट में 1650 बच्चे अपियर हुए थे एग्ज़ाम, जिसमें से 1371 बच्चे पास हुए और 200 जो है 80 बच्चे तकरीबन जो है फेल हुए। फिर भी जो परसेंटेज जो है हमारा क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट का है जो 84% है हैदराबाद का रिजल्ट माशाल्लाह से। शायद जिसमें से जो है एसएससी में देखें आप 6 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 100% यानी बच्चे 45 बच्चे एग्ज़ाम अपियर हुए, 40 के 45 पास हुए। 100% रिजल्ट भी है 6 स्कूल का जिसमें नुमायाँ जो है खैरताबाद बॉयज़ 1 है और याकूतपुरा गर्ल्स 2 है और गोलकुंडा गर्ल्स 1 है और मुशीराबाद गर्ल्स 1 है और आसिफ नगर गर्ल्स है 1 है और चंद्रन गुट्टा बॉयज़ में 100% जो है बच्चे अपियर हुए, 43 अपियर हुए, 43 के 43 पास हुए। तो 6 स्कूल में 100% रिजल्ट भी है। तो यह बहुत अच्छा वहाँ के टीचर्स का और प्रिंसिपल का जो है परफॉर्मेंस ये बता रहा कि बच्चे जो है 100% आए। हम तवक्के कर रहे हैं और बार बार जो है हमारे सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह साहब IFS और AK खान साहब IPS जो हमारे प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के, इनकी अपनी मेहनत काविश है बार बार का तवज्जो करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्टेज पे है और आप इन लोग ये और आप साहब लोगों की जो है और तवज्जो रही तो इंशाल्लाह जो है आइंदा साल अच्छा रिजल्ट आने की कोशिश करेंगे। और आपके जो है चैनल से ये बात भी पहुँचाऊँ कि भाई हमारे को एक स्कूल के अंदर में टोटल सीट्स जो है 480 के करीब रहते हैं मगर बच्चे जो है डेली अपियर जो होते हैं 300 साढ़े 300 होते हैं सीट बच्चों के। तो आप अपने चैनल से हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि अपने बच्चों को जो है अभी भी वक्त है दाखिला दिलाएं, एक बेहतरीन मौका है और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हमारे इज्जत मार चीफ मिनिस्टर साहब की का पर्सनल उनकी अपनी जो है उस पर ये जो है ये स्कूल कायम हुए माइनॉरिटीज़ के और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पे है और एक जो है अच्छा रिजल्ट भी इसका आ रहा और चंद वर्षों के अंदर में और रिजल्ट आएगा। एक अभी एक बात है कि जो बच्चे इस वक्त इंटर में थे वो बच्चों की हम जो है MSET की भी कोचिंग दी, IIT और JEE की दिए, इसमें से जो है IIT के जो है 37 बच्चे अपियर हुए और जो है क्वालिफाइड जो है 27 हुए। अब MSET का भी आजकल में जो है एग्ज़ाम है उसका भी जो है अब तवक्को है कि अच्छे जो है रिजल्ट आएगा। नीट के अंदर में भी हम जो है क्रैश कोचिंग कोचिंग कर रहे हैं उसमें भी जो है बच्चे अगर हुए तो जो है डॉक्टर भी एडमिशन मिल सकता है, ये कल जो है कौम के जो है डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। ऑनलाइन है आपके जो है कॉन्स्टिटेंसी वाइज जो है गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल्स हैं वहाँ, जैसे आसिफ नगर कॉन्स्टिटेंसी है उसका गर्ल्स भी का स्कूल है और कॉलेज है और बॉयज़ का भी गर्ल्स है और स्कूल है और कॉलेज भी है।
तो अपने करीब के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जो भी स्कूल है वहाँ पे आप जो है इन पर्सन जो है जाके एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जहाँ पे जो बच्चे पास हुए उनको और उनके माँ बाप को मुबारकबाद दे रहा हूँ, और जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ का भी जो है मुबारकबाद है। उनके एफर्ट्स है, उनकी कोशिश है कि बच्चे जो है आज मुसाबिकती इम्तहानात में जो है अप्रोच होने के जो है काबिल बने। बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए मौका है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का, उसमें अपीयर हो गए जो है फिर पास हो गए। ये भी जो है इन जो बच्चे पहले रिजल्ट में पास हुए उनके साथ शाना बशाना आगे चल सकते हैं। एक बखौल एक शायर के सुनाओ, बखौल एक शायर के, अज़्म महकूम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। कि हमें अज़्म होना चाहिए तो हम इंशाल्लाह हर जो है मुकाबले में हम जो है कामयाब हो सकते हैं। मैं हमारे दो RLC जानी मियाँ साहब RLC 1 और विजय कुमार साहब RLC 2 का भी शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इनकी अपनी पर्सनल अटेंशन, इनका पर्सनल बार बार स्कूल्स का विजिट करना और जो है बाद टीचर्स की जो है याद दहानी दिलाना, उनसे रिव्यू करना और बच्चों से जो है उनका इंटरेक्ट करके उनको जो है मोटिवेट करना, इनके अंदर में इन लोगों की बहुत बड़ी कोशिश है। मैं इनका भी जो है शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ, और वहीं मुबारकबाद हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट AK खान साहब का भी जो शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कोर्सेज ऑफर MPC, BPC, CEC एंड MEC। कॉर्पोरेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिमार्केबल रिजल्ट्स इन एवरी ग्रुप, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, फुल्ली इक्विप्ड साइंस लैब, Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.